नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं अंशिका हाजिर हूं नई पेशकश के साथ। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया दहशत में है, खेल जगत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर टूर्नामेंट रद्द हो गए हैं। वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद आईपीएल को भी रद्द करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया, जिसका आगाज इसी महीने 29 मार्च से होने वाला है। क्रिंक इन्फो के अनुसार बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट तय समय और शेड्यूल के अनुसार ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड लीग को इस खतरे से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज 29 मार्च से होगा। इस सीजन का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। खबरों के अनुसार भारत में अभी तक कोरोना वायरस के 30 मामलों की पुष्टि हो गई है। बीसीसीआई केंद्र सरकार की सिफारिश पर कुछ गाइडलाइंस जारी करने का विचार कर रही है। ये गाइडलाइंस खिलाड़ियों, एयरलाइंस कंपनियों, टीम के होटलों, ब्रॉडकास्ट क्रू और आईपीएल आयोजन से जुड़े सभी लोगों के लिए होगी। इस खतरे से बचने के लिए बीसीसीआई स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने कहा कि आईपीएल से पहले टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। सब कुछ तय समय पर ही होगा। भारतीय टीम 12 से 18 मार्च के बीच साउथ अफ्रीका के लिए 3 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज खेलेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।